अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सुमान में रखे। आज 19 मई 2020 है। आज हमारा मुताला पाकिस्तान का जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है वो यूनिट नंबर 4 से है, कायद आजम मोहम्मद अली जनाब हैसियत गवर्नर जनरल। अपने बुक पे चलते हैं। सॉरी, इधर जाएंगे बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा। पहले हम इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे। हम यूनिट के अंदर टॉपिक जिस तरतीब से दिए हुए हैं हम उस तरतीब से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज की तरतीब को फॉलो नहीं करेंगे। टॉपिक एक्सरसाइज वाले ही करेंगे लेकिन तरतीब हम यूनिट वाली रखेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक शामिल हैं। तो कल हमने पढ़ा था पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म का किरदार। इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 97 पेज पे। थोड़ा सा तेजी से स्क्रॉल को करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आजम का किरदार। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं और तकरीबन 13 महीने तक इन्होंने बहैसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान को सर्व किया। 11 सितंबर 1948 को इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो अगले गवर्नर जनरल सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, अब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इक्तदार मुंतकिल हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा किया था और रिसीविंग बाकायदा जो है वो इवेंट के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस इवेंट के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऑफर की गई थी कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से कि अगर वो कायदे आज़म जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान का और इंडिया का मुश्तरका वज़ीर आज़म मान लेते हैं तो काफ़ी सारी उनको जो है वो फेवर्स मिल सकती हैं। लेकिन जिन्ना ने इस चीज़ को नापसंद किया क्योंकि जिन्ना किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे, ना अंग्रेज़ों की ना हिंदुओं की मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर। तो पाकिस्तान के स्टेट अफेयर्स जो थे उनके अंदर कायदे आज़म किसी भी तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे, इसलिए जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। और ना ही जब फौज को तकसीम करने वाली जो तजवीज़ दी गई उसको भी कायदे आज़म ने मुस्तरद कर दिया था। तो माउंटबेटन ने काफ़ी इस चीज़ का जो है वो इस पर इशू खड़ा किया था, अपना गुस्से का इजहार किया था, जिन्ना को वॉर्न किया था कि जी आपने क्योंकि मेरी इंसल्ट है ये, आपने मेरी इंसल्ट किया तो आपको इस चीज़ को अब फेस करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को आपका पे करना पड़ेगा। तो जिन्ना ने कहा डजंट मैटर, हम अपने मामला खुद ही सुलझा लेंगे, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल
ये कायदे आजम का एक बहुत अच्छा और सही फैसला था। माउंटबेटन ने वहां पे तंजिया कहा भी था कि आपके पास इतना कोई कैपेबल बंदा नहीं है कि आप इतने क्राइसिस के अंदर आपका कंट्री है और आप उसको चला लेंगे। तो जिन्ना ने कहा ठीक जो भी है मैं खुद चला लूंगा, मैं खुद इसको संभालूंगा, लेकिन मैं किसी के हाथ में इसकी गवर्नमेंट नहीं दूंगा। तो फिर जिन्ना ने खुद इसलिए जो है वो इसको लिया था। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे एतराज करते हैं हिस्टोरियंस के, जिन्ना भी शायद जो है वो खुद से हुक्मरान बनना चाहते थे या इस तरह, बल्कि ये सब गलत है क्योंकि जिन्ना का ये फैसला बहुत बरवक्त और सही था और उन्होंने ये बहुत एक सही फैसला लिया था क्योंकि उनके पास एक टीम अच्छी थी, खुद उन्हें अपनी सलाहियतों से आगाही थी, तो वो ये समझते थे कि वो इन तमाम इश्यूज पर जो है वो काबू पा लेंगे। अच्छा, जिन्ना ने जो उनकी इश्यूज हमारे जो चल रहे थे पाकिस्तान बनने के बाद, जिसमें पाकिस्तान के जो आप लोग उन पढ़े थे असासे नहीं मुंतकिल हो रहे थे पाकिस्तान को, महाजरीन का इशू आ रहा था, हमारे पास कोई इंतजामी रिकॉर्ड नहीं था, दरियाओं का इशू चल पड़ा था पानी का, और स्टेट इशूज चल पड़े थे, और इस तरह की जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रही थी, तो इनको फेस करना पड़ रहा था। तो जिन्ना ने फौरी तौर पर बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहला काम ये किया कि पाकिस्तान की जो स्टेट थी उसका एक सेंटर मुकर्रर कर दिया कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सारी उसका ढांचा उसका स्केलेटन एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पर ऑफिस होंगे, बैठकर जो है वो गवर्नमेंट एक अपना सारा काम करेगी। तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत यानी मेन सिटी एक मुकर्रर कर दिया गया और वो था कराची। तो पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत जो है वो कराची है। तो फिर साथ दूसरी बात ये कि अब चूंकि दारुल हुकूमत बना दिया है, अब तमाम जो शोबे हैं उनके उनकी बुनियादें रखनी हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए लोगों की ज़रूरत थी, ऑफिशियल्स की, टॉप ऑफिशियल्स की, अफसरान की, तो वो तो सारे हिंदुस्तान में थे, तो उनकी मुंतकली के लिए जो है यानी उनको पाकिस्तान लाने के लिए स्पेशली ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया। और ये नहीं था कि कायदे आज़म कोई उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, असल में बात ये थी कि हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, मुसलमान अफसरान के साथ मारपीट, कत्लोगारत और डराना धमकाना और लालच देना कि वो किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान के लिए काम ना करें बल्कि इंडिया के लिए काम करें, तो ये सारा सिलसिला चल रहा था, इसलिए ये उस वक्त ज़रूरत थी कि इन लोगों को सेफ रखा जाए। तो पहले बाय बस जो है यानी बाय रोड इनको लाने की कोशिश की गई थी, तो वो उन पर हमला हुआ था, उसमें कुछ अफसरान मारे गए थे, तो फिर जिन्ना ने ये रिस्क ही नहीं लिया, तो बाय एयर जो है वो जिन्ना ने तमाम अफसरान की मुंतकली को पॉसिबल किया था। इंडियन जो कांग्रेस थी उसने पाबंदी लगा दी थी अपनी तमाम एयरलाइंस पर के पाकिस्तान के अंदर कोई अफसरान की परवाज़ें लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर कायदे आज़म ने जो बरतानिया की कंपनी थी टाटा एयरलाइन उनके साथ ये मुआहदा किया था कि जो है वो फिर उन्होंने फिर जैसे भी गवर्नमेंट के साथ कांग्रेस के साथ जो भी डील की उन्होंने आपस में और जिस तरह भी उन्होंने फिर कुछ परवाजों के अंदर पाकिस्तान के अफसरान जितने भी थे वो सारे यहाँ पर मुंतकिल कर दिए थे। तो अफसरान पहुँचने शुरू हुए तो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी खड़ी की तो उसका हेड बना दिया, चौधरी मोहम्मद अली को एक कमेटी बना दी गई जो कि तमाम मामला के अंदर जो है उनको डील करेंगी। लियाकत अली खान को पहले प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया गया और महाजरीन से रिलेटेड जितना भी काम था वो सारे का सारा लियाकत अली खान की जिम्मेदारी लगाई गई। फिर सिविल सर्विसेज भी इन्होंने स्टार्ट की और सिविल सर्विसेज और पाकिस्तान सिविल सर्विसेज एकेडमी बनाई गई। तो जिस तरह आर्मी के अफसरान होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री अकेडमीज होती हैं, इस तरह जो गवर्नमेंट्स को चलाते हैं, अदारों को चलाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो उन लोगों की भी उनकी भी ट्रेनिंग होती है जो सी एस एस ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए फिर जो है वो उनके लिए भी अदारों की ज़रूरत थी। अकाउंट्स और फॉरेन सर्विस का आगाज़ किया था, आपको पता है स्टेट बैंक का इफ्तिताह भी कायदे आज़म ने कर लिया था, करेंसी से फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इशूज़ थे वो सारे सॉल्व करने की कोशिश की गई और दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रबते किए गए उसमें आना जाना और वो सारा, और एम्बेसडर भेजना और पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन देना कि भाई ये एक न्यू स्टेट है, इसका ये मकसद है, इस खत्ते के अंदर है, ये सारा, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया गया था।
फिर जहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी तो वहीं पर जिना खुद जो थे वो ये जो पानी का इशू चल रहा था या जो स्टेट्स का इशू चल रहा था या जो ये फसादात वगैरह, तो जिना खुद इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो दे रहे थे और साथ साथ जो है वो अदारों को भी जो है वो स्टेबल किया जा रहा था। तो फौज हमारी बिल्कुल ही आप कह लें कि एक शैटर थी उस वक्त, बिखरी हुई थी। तो आर्मी के लोग जैसे जैसे पाकिस्तान पहुंच रहे थे उनको यूनाइट करने के लिए, एक बाकायदा एक प्रोफेशन एक शोभा बनाने के लिए, तो उन्होंने इस तरह किया कि बहरी और बर्री फौज उस फिल वक्त जो थे ये दो फौज तो एक ही होती है, बर्री मतलब आर्मी, लेकिन उसके आगे ब्रांचेज हैं, बहरिया है और आगे जो है वो फजाइया है। तो इन लोगों के जो है वो हेडक्वार्टर बना दिए और पाकिस्तान आर्मी के पहले मुसलमान जो फील्ड मार्शल थे यानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। उनसे पहले हमारे पास कोई अफसरान ही नहीं थे क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदुओं ने मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ था। तो हम लोगों ने कायदे आज़म ने स्टार्ट पे अंग्रेज़ जनरल्स की जो है उन्हीं की मदद हासिल की थी ताकि वो आर्मी की बुनियाद जो है वो रख सकें। तो जो बहरिया थी उसका जो हेडक्वार्टर था वो कराची मुकर्रर किया गया। जाहिर सी बात है जहाँ पे समंदर होगा है तो वहीं पे फिर इनका हेड ऑफिस बनना था। और जो बर्री फौज थी उसका जो हेड ऑफिस था वो पिंडी मुकर्रर किया गया। तो उसके बाद फिर जो है वो असला फैक्ट्री का इंतज़ाम भी जो क्याम था इन्हीं के दौर में हुआ क्योंकि इंडिया हमें पे कर रहा था तो फिर ज़रूरी था कि हम अगर हम अपनी फौज को स्टेबल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम अपना अपने जो है वो हमारे पास वेपन्स और ये सारी चीज़ें, और सिर्फ वेपन्स ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें जो है इस तरह की ये मेंटेन हो, मतलब आर्मी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी थी कि ये ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये कायनात का सिस्टम इस तरह का है कि हम सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कपड़ा ख़रीदना है तो हम दुकानदार के पास जाएंगे, हमने सिलाई करवाना है हमने दर्जी के पास जाना है, हमने जो हमें जूता चाहिए हमने मोची के पास जाना है, ठीक है। तो इसी तरह हमने हमें अनाज चाहिए हम किसान से रابطہ करेंगे। तो मतलब हम सारे एक दूसरे पर अपनी ज़रूरियात के लिए डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह जो कंट्रीज हैं जो स्टेट्स हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो खारजा पॉलिसी जो होती है यानी मुल्क जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाते हैं ताकि अपने प्रॉब्लम्स और अपनी ज़रूरतें एक दूसरे से जो है वो शेयर कर सकें पूरी कर सकें। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस चीज़ पर भी फौरन फोकस किया और दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस कायम करने में जो असूल जो कवानीन जो पॉलिसियाँ बनानी थी उनके ऊपर जो है वो काम किया और बड़े बड़े ममालिक के साथ जो थे वो रबते किए, जैसे अमेरिका था उस वक्त और इस्लामी मुल्क थे उनके साथ सबके अंदर पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन करवाया, उनको बताया पाकिस्तान के बारे में। और साथ ही जो है वो चूँकि हम इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई कंट्री बनता है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर बाकी ममालिक जो है उसको तस्लीम करते हैं कि आज़ाद स्टेट की हैसियत से, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि दूसरे ममालिक हमें एक अलग मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लें तो फिर ही हम जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते थे। और वैसे भी हमें उस वक्त सपोर्ट चाहिए थी, मॉरल सपोर्ट चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी ताकि हम अपने कंट्री को खड़ा कर सकें। इक़वामी मुत्तहदा की रुकनीत भी 47 में जिन्ना के दौर में इन्हीं की कोशिशों से मिल गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो दरियाओं का इशू चल रहा था, जो कश्मीर का इशू चल रहा था, तो जिन्ना ने ये चीज़ जो है वो बना दी थी उधर इक़वामी मुत्तहदा के अंदर अपने जो है वो फाइल कर दिया था इसको, इसलिए जो है वो उस वक्त फिर हमें इसकी मेम्बरशिप भी मिल गई थी। इक़वामी मुत्तहदा बेसिकली एक अदारा है जो कंट्रीज के इश्यूज को सॉल्व करता है। दुनिया में दो दफ़ा इस तरह की जंग हो चुकी हुई है, वार क्राइसिस इस तरह के आ चुके हैं जिनमें दो मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में जंग लड़ना शुरू हो गई थी। तो ऐसी जंग जिसके अंदर दो से ज़्यादा ममालिक शामिल हो जाएँ और जो ग्रुप की शक्ल में जंग लड़ें उसको दो जो है वो जंग अजीम कहते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज में शामिल हो जाते हैं।
جنگ عظیم اول جو ہوئی تھی یہ 1914 میں ہوئی تھی اور 1919 میں ختم ہوئی تھی. اس کے اینڈ پہ بھی ایک ادارہ بنا تھا لیگ آف نیشنز, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اگر وہ کامیاب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پھر دوسری جنگ عظیم کی نوبت کیوں آتی. تو بہرحال دوسری جو تھی یہ 1939 میں ہوئی اور 1945 میں جا کے ختم ہوئی تھی. تو اس کے اینڈ پہ پھر یہ یو این او بنایا گیا تھا. تو مین اس کا جو آفس ہے وہ نیو یارک امیرکا میں ہی ہے. اس کے چار پانچ اس کے ادارے ہیں جو مطلب ڈفرینٹ, کوئی پورے دنیا کی جو ہے وہ صحت سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, کوئی ایجوکیشن غربت کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے, تو سب سے مین جو ہے وہ بجٹ کو کوئی ڈیل کرتا ہے, سب سے مین جو ہے وہ مطلب جس طرح عالمی عدالت انصاف بھی ہے, جو ممالک کے ایشوز ہیں کنٹریز کے وہ آپس میں سالو کرتے ہیں ایشوز, وہاں پر جو ہے وہ ڈیل کیے جاتے ہیں. تو پاکستان سب سے مین جو ہے ان کا سلامتی کونسل ہے, جس میں مطلب جس کا یہ ہے کہ تمام کنٹریز پر نظر رکھنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وار جو ہے وہ نہ شروع کریں, لڑے نہ, قتل و غارت نہ ہو, جنگ و جدل, اس طرح کی چیزیں. تو پاکستان سلامتی کونسل کا جو ان کا ادارہ ہے اس کا بھی ممبر ہے, ویسے بھی اس کا ان کا ممبر ہے. تو بہرحال قائد اعظم نے اس وقت جو ہے وہ چونکہ ہمارا کشمیر کا ایشو 48 میں چل رہا تھا تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی دیکھ رہے تھے, اور یہاں ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا. اچھا اب یہ سارا کچھ تو چل رہا تھا, اب جو مین ہمارا سرمایہ تھے ملک کے اس وقت اور جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ کے طور پر کام کیا تھا, یعنی کہ میری مراد یہاں پر ہے اسٹوڈنٹس سے, چاہے وہ فیمیل تھے چاہے میل تھے, جینڈر اسٹوڈنٹ کوئی جینڈر نہیں ہے, میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان سے مخاطب ہوئے, ان سے کانفرنس کی 1947 کے اندر, اور کہا جی یہ کانفرنس ڈھاکہ میں بھی ہوئی تھی اور کراچی میں بھی ہوئی تھی. تو ان سے کہا کہ بھئی اب آپ لوگوں نے نو ڈاؤٹ کے جو پاکستان کی موومنٹ تھی اس میں بہت کام کیا آپ لوگوں نے, تو لیکن اب جو ہے وہ یہ ٹائم ہے کہ اب آپ کی پہلی پریفرنس جو ہے, آپ کی بھرپور توجہ جو ہے وہ آپ کی اسٹڈیز پر ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی جو ہے اپنے اسٹڈیز کے اندر بھی جو آپ کی سلیکشن ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے, دنیا ان چیزوں کے آگے بہت ان چیزوں میں آگے جا رہی ہے. تو ہم بھی چونکہ ایک نیو بورن اسٹیٹ ہیں, نوزائیدہ اسٹیٹ ہیں, اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں, ہم اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی بقا کی جنگ کے لیے ان سبجیکٹس کو پڑھنا ضروری ہوگا, ان سبجیکٹس کے اوپر گرپ کرنی ہمارے لیے ضروری ہوگی. تو آپ لوگوں نے بہت کام کیا تحریک پاکستان کے اندر, مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے اس وقت تو, لیکن قائد اعظم کی بہت ہیلپ کی انہوں نے, کہ جو کام نیوز پیپر, اخبار, ریڈیو, ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا یہ لوگ چیزیں کرتی ہیں وہ اس وقت اسٹوڈنٹس نے کیا, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈرس جو ہیں یہ دنیا میں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ترین خطہ ہے کہ اس ملک کو ایسی قیادت نصیب ہوئی ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ جناح جیسا لیڈر اب دوبارہ کبھی پاکستان کو ملا ہی نہیں. تو قائد اعظم ایک سچے اور محنتی اور دیانتدار لیڈر تھے, اور یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے جنگ جو ہے وہ میز پر لڑی, سیاست کی میز پر لڑی, نہ کہ میدان جنگ میں لڑی. مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ, ان کی حفاظت اور ان کے لیے ایک الگ ملک لینا, یہ انہوں نے جہاد, جنگ و جدل یا مطلب اس وے میں نہیں وہ گئے, بلکہ انہوں نے ذہانت سے, ٹیبل ٹاک سے لیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دور میں ہم وہ داخل ہو گئے تھے تو جو ہے وہ ذہانت سے, ذہن سے جو ہے وہ دماغ سے بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے, اصولوں سے بھی لڑی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے جناح نے اس کو فالو کیا. تو بہرحال جناح میرے بہت زیادہ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہیں, اور اسی دن میں آپ کو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتاؤں گی. پروفیشنل لائف کو ہم ان کی پڑھتے رہتے ہیں, یہ ساری جس طرح بھی ہم نے پڑھی ان کے کام, ان کی خدمات, ان کے کارنامے, تو ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ بہت کم منظر عام پہ آتی ہے, لیکن میں نے کافی سارا جو ہے وہ ان کے اوپر میری ریسرچ ہے, تو انشاءاللہ میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ سے
डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर हम किसी और लेक्चर में शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कायदे तुम चूँकि टीबी के मरीज़ थे और फिर इतनी ज़्यादा वर्किंग पिछले महीनों में कर रहे थे, प्रॉपर मेडिकेशन ही इनकी हो रही थी, मतलब टाइम नहीं था, करवा नहीं रहे थे, रेस्ट नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। और फिर जो है वो इन्होंने क्या उसको कहते हैं कि ज़्यारत के अंदर इनका जो है वो लास्ट इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, और जब तबीयत एक रात इनकी ज़्यादा बिगड़ी तो इनको कराची मुंतकिल किया जाना था ताकि बाकायदा इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और सारा, लेकिन फिर जो है वो रास्ते में इनकी डेथ हो गई थी, ये नहीं सर्वाइव कर सके, कराची में ही जो है वो इनको दफन किया गया और इनका मज़ार भी कराची के अंदर ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर में एक बात कही कि कायदे आज़म ने जो है वो टेबल टॉक यानी दिमाग के ज़रिए जंग लड़ी, तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि कायदे आज़म जो है वो खुदा ना खास्ता मुसलमानों को जो है वो बुज़दिल समझते थे या ये समझते थे कि मुसलमान जहाद से या इन चीज़ों से जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन कायदे आज़म को ये लगता था कि वक्त की ज़रूरत ये है कि हम जो है वो इस तरह कर सकते हैं। हालाँकि जब 45-46 के इलेक्शन के बाद नहीं जो है वो अबूरी हुकूमत के बाद, बल्कि कायदे आज़म ने ऐलान किया था कि अब अगर हिंदू और अंग्रेज़ जो है वो हमारी बात नहीं मानते तो फिर हम जो है वो बाकायदा फिर मुसलमानों के पास अब कोई और रास्ता नहीं है, हमने जितना फिर आपसे जो है वो बातचीत करनी थी कर ली है, तो फिर अब हम फिर हथियार ही उठाएंगे, जंग ही करेंगे। इसलिए ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इसको टाइम पे कर भी लेंगे। इससे आगे तक थोड़ा सा है, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अपना जो है वो मर्स को कभी फ्राइज के आड़े नहीं आने दिया था। ये टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और साथ में जो है वो इसको जो है वो आप लोग अगर जब याद करते होते हैं तो इसको थोड़ा लिख के भी देख लिया करें ताकि आपको बाद में जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।